आगे बढ़ते हैं खबरों में और अब बता देते हैं आपको बड़ी खबर अयोध्या से। राम मंदिर परिसर से जुड़ी खबर है। मंदिर परिसर में आंतरिक कॉरिडोर बनेगा। आंतरिक कॉरिडोर 700 मीटर लंबा होगा। राम मंदिर सप्त मंडपम को जोड़ेगा, कुबेर टीले को भी जाएगा ये आंतरिक कॉरिडोर। राम मंदिर परिसर को लेकर ये खबर, मंदिर परिसर में आंतरिक कॉरिडोर बनाया जाएगा, इंटरनल कॉरिडोर 700 मीटर लंबा होगा। राम मंदिर सप्त मंडपम को जोड़ा जाएगा इस कॉरिडोर के जरिए, कुबेर टीले को भी कनेक्ट किया जाएगा कॉरिडोर से। इसी साल 22 जनवरी को भव्य और दिव्य राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, रामलला विराजमान हुए और तभी से लेकर अभी तक करोड़ों की संख्या में लोग रामलला के दर्शन कर चुके हैं। आम से लेकर खास तक सभी अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करना चाहते हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। भीड़ अभी भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है और व्यवस्थाएं और ज़्यादा बेहतर लगातार की जा रही हैं। अब जानकारी ये मिल रही है कि एक इंटरनल कॉरिडोर बनाया जाएगा जो कि यात्रियों की सुविधा के लिहाज से माना जा रहा है कि खास होगा। आंतरिक कॉरिडोर जो है वो 700 मीटर लंबा होगा। राम मंदिर सप्त मंडपम को इस कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा, कुबेर टीले को भी जोड़ा जाएगा कॉरिडोर में। इससे सहूलियत हो जाएगी राम भक्तों को जो रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या जाते हैं। श्रद्धालुओं के लिए आंतरिक कॉरिडोर बनाया जाएगा। भीड़ चूंकि बहुत ज्यादा है, भीड़ मैनेजमेंट इससे होगा, भीड़ कंट्रोल की जा सकेगी, बेहतर तरीके से आरामदायक तरीके से रामलला के दर्शन सभी कर पाए भक्त। चूंकि देश के कोने कोने से ना सिर्फ अलग अलग देशों में जो भारतीय रहते हैं वो भी रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचते हैं, ऐसे में किसी को भी परेशानी ना हो रामलला के दर्शन करने के लिए, इसके लिए माना जा रहा है ये बड़ा कदम।